हरि ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहे तेजस्विनो अवधितमस्तु मा विदिश्वावहे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हेलो एवरीवन, माइसेल्फ संतोष चौबे, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी शैल डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी एज वेल एज करंट अफेयर्स। आज की क्लास में हम लोग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बातचीत करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उस टॉपिक के बारे में कि घूमती हुई हवा हूँ मैं, एक घूमती हुई हवा हूँ मैं, प्रलय है मेरे जज्बात, कोई कहता मुझे टाइफून, कोई हरिकेन, तो कोई कहता मुझे चक्रवात। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द साइंस एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। आज की क्लास में हम लोग साइक्लोन या चक्रवात के बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, मैं बताना चाहता हूँ कि जो 6 जून 2023 को जब साइक्लोन वार्निंग सिस्टम जो इंडिया के हैं उन्होंने यह बताया कि भारत में जो अरब सागर का क्षेत्र है वहाँ पे लगभग 850 किलोमीटर, मुंबई से 850 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दक्षिण क्षेत्र में एक हवा का निम्न दबाई दाब का क्षेत्र बन रहा है, और उस समय से यह निश्चित हो गया कि एक चक्रवात जो है वह भारत के तटों की तरफ बढ़ेगा। और इस तरीके से सो मैनी आर्टिकल्स हैव बीन रिटन, सो मैनी वीडियोज़ हैव बीन मेड, बट आई थिंक दैट नो वीडियो एंड नो आर्टिकल इज प्रोवाइडिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। कि जितने भी आर्टिकल लिखे गए, जितने भी वीडियो बनाए गए हैं उस समय से लेकर आज तक, मुझे लगता है कोई भी वीडियो जो है वो विद्यार्थियों को पूर्ण सूचना देने में सक्षम नहीं है। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ कि मैं आपको एक ही जगह पर सारी इन्फॉर्मेशन सूचना जो है कलेक्ट करके दे दूँ। चलिए हम लोग बात स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सवाल यहाँ पे ये आता है कि मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर हम बात करें साइक्लोन या चक्रवात के बारे में, तो वर्ष 957 ईस्वी से लेकर के अभी तक जो 2023 है, यहाँ से देखा जाए तो जो रिकॉर्डेड हमारे पास हिस्ट्री है, जो हमारे पास उपलब्ध जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो दुनिया ने 12,700 चक्रवात देखे हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का यह कहना है कि यह संख्या काफ़ी कम है, क्योंकि कारण यह है कि कुछ चक्रवात शायद इतने उनकी इंटेंसिटी, उनका इम्पैक्ट इतना कम रहा होगा कि उसको लोगों ने उसको रिकॉर्ड करने की जमत ही नहीं उठाई, क्योंकि वैज्ञानिकों का कि यह सोच है, वैज्ञानिकों के पास जो आंकड़े उसके आधार पर दुनिया में 80 से लेकर 90 चक्रवात आपके दुनिया में वर्ष भर में कहीं ना कहीं उत्पन्न होते हैं। और इस तरीके से हालांकि जब इनकी इंटेंसिटी कम होती है, इनकी जो है इनका विंड स्पीड कम होता है, तो चूंकि ये आप बर्बादी पहुंचा नहीं पाते तो इनको हम लोग आंधी या तूफान भर कर कह देते हैं, इनको चक्रवात हम लोग नाम देने की जरूरत भी नहीं उठाते। चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये है कि चक्रवात या साइक्लोन शब्द कहाँ से आया, इसको गढ़ने वाले व्यक्ति कौन है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि यह जो चक्रवात या साइक्लोन है इसका विज्ञान क्या है, और उसके बाद हम लोग इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे कि जो भी किस प्रकार से भारत में चक्रवाती जो केंद्र हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे दुनिया के केंद्र काम करते हैं, ये सारी जानकारी आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे प्राप्त करेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टर्म साइक्लोन है चक्रवात के लिए, हम लोग अंग्रेजी का शब्द साइक्लोन इस्तेमाल करते हैं, तो जो शब्द साइक्लोन है या साइक्लोन एक ग्रीक टर्म, एक यूनानी भाषा के शब्द से बना हुआ है, और जो शब्द है आपका कुकलोस और साइक्लोस, जिसका अर्थ होता है क्वाइल ऑफ स्नैक। सुनो, साइक्लोन यूनानी भाषा के एक शब्द कुकलोस या साइक्लोस से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है सांप की कुंडली। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि यह वास्तव में अगर देखा जाए, जो हम लोग से पहले से चित्र प्राप्त करते हैं उस चित्र के माध्यम से अगर हम लोग देखें तो सेटेलाइट का जो चक्रवात की जो आकृति बनती है वह आपके सांप की कुंडली की तरह होती है, और यही कारण है कि उसको जो है सांप की कुंडली कहा गया। तो साइक्लोन ग्रीक टर्म है जिसका जो कुकलोस है साइक्लोस से निकला हुआ है, जिसका होता है सांप की कुंडली। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है कि यह साइक्लोन शब्द गढ़ा किस व्यक्ति ने, तो इस व्यक्ति का नाम है आपका हेनरी हेनरी
हेनरी पिडिंगटन। देखिए हेनरी पिडिंगटन ने 1842 में एक आर्टिकल लिखा था, सिटी सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक जर्नल निकलती थी उसमें, जिस आर्टिकल का नाम था साइंस ऑफ विंड्स, साइंस ऑफ विंड्स, हवाओं का विज्ञान नाम का उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जो 1842 में सिटी सोसाइटी की पत्रिका में पब्लिश हुई थी। मैं बताना चाहता हूँ कि हेनरी पिडिंगटन वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1836 से लेकर के 1855 के बीच में एसएटी सोसाइटी जो आपके कलकत्ता से निकलती थी उसके लिए उन्होंने कुल मिला के 40 आर्टिकल लिखे थे। उसी में से एक आर्टिकल था आपका साइंस ऑफ विंड्स जो 1842 में लिखा उन्होंने। उसी साइंस ऑफ विंड्स में उन्होंने साइक्लोन या चक्रवात शब्द को गढ़ने का काम किया। तो अगर पूछा जाए कि चक्रवात शब्द गढ़ा किस व्यक्ति ने, तो आंसर हो जाएगा चक्रवात शब्द गढ़ने वाले व्यक्ति है हेनरी पिडिंगटन जो थे यूनाइटेड किंगडम के, लेकिन वह यूनाइटेड किंगडम की तरफ से भारत में काम करते थे, तो उन्होंने कलकत्ता में इस शब्द को गढ़ने का काम किया था। जो एक पत्रिका निकलती थी आपके सिटी सोसाइटी ऑफ बंगाल की, उसी पत्रिका में उन्होंने इस बात को लिखने का काम किया। अब यहाँ पे अगला सवाल यहाँ पे है कि जो यह चक्रवात है, चक्रवात उत्पन्न होता कैसे है? तो मैं इसके पहले बता दूं कि देखो चक्रवात उत्पन्न होता कैसे है, आपको जान लो कि देखिए चक्रवात उत्पन्न होने के लिए पहली बात है कि समुद्र में तापमान ठीक ठाक होना चाहिए। तो ठीक ठाक मतलब कितना है, तो तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब आप कह सकते हो कि लगभग 27 डिग्री सेल्सियस। जब समुद्र का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस या उसके ऊपर चला जाता है तो वहाँ पे उसके संपर्क जो वायु होती है, वायु काफ़ी गर्म हो जाती है, और गर्म वायु क्या होगी, गर्म वायु ऊपर की तरफ उठेगी उत्प्लावन के कारण से, जो जो आपका बायंसी है, इस बायंसी कारण से जो आपका है जो ठंडी हवा, गर्म हवा है ऊपर की तरफ उठने लगती है, और उसका स्थान भरने के लिए ठंडी हवाएं ऊपर से और आपके चारों तरफ से आने शुरू हो जाती हैं। अब देखो जब वहाँ पे हवाएं आएंगी तो वो हवा भी गर्म होगी, फिर वो हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, और उस प्रकार से क्या हवाओं के आने का क्रम बन जाएगा। धीरे 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 वहाँ पर बहुत सारी वायु इकट्ठी होने शुरू हो जाती है। अब इसके बाद देखो क्या है कि जो वायु वहाँ पर ऊपर की तरफ जा रही, ठंडी हो रही है, वहाँ पर भी बहुत भारी वायु इसका जमा हो जाता है, और यह जो वायु है चूंकि इसमें मॉइस्चर या नमी है, जो नमी वाली वायु होगी जब धीरे 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 वो ठंडी होगी, और जब ठंडी होने शुरू हो जाती है तो विज्ञान यह कहता है कि उसमें जो जो वायु है, वायु में जलवाष्प रखने की क्षमता जो है कम होने लग जाती है, और जब जलवाष्प रखने की क्षमता कम होने लगेगी तो वह वर्षा की बूंदों के रूप में तब्दील होने लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक घटना और घट रही है, और वो घटना यह है कि पृथ्वी चूंकि अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है वह क्या करती है, वह रिवॉल्व करती है, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, और पृथ्वी के अपने अक्ष पर रोटेट करने कारण से, उसके घूर्णन करने के कारण से क्या होता है कि एक फिक्टिशियस फोर्स लगता है, जिस फोर्स का नाम है कोरियोलिस फोर्स। आपको जानकारी जैसी है 1835 में फ्रांस के वैज्ञानिक कोरियोलिस ने एक फोर्स या बल के बारे में कल्पना किया। उन्होंने बताया कि एक जो बल है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो हैं वह मुड़ जाती है दाहिनी ओर, और दक्षिण गोलार्ध में हवाएं जो हैं बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर देखो बताना चाहता हूँ कि यह जो आपकी पृथ्वी है, तो पृथ्वी का यह हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और यह हो गया सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा कि जो आपका चक्रवाती हवाएं हैं यह आपकी क्लॉकवाइज अर्थात इधर की तरफ चक्कर मारती हैं, और जो दक्षिण गोलार्ध है इधर पर जो चक्रवात उत्पन्न हो रहा है यह जो है वह आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू होता है, और यह हवा जो है बीच में आधा की इसका जो वहां पर चक्रवात उत्पन्न हो रहा है इसके बीच में, इसको हम लोग आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं, जिसको चक्रवात यहाँ कहा जाता है। यहाँ पे बिल्कुल शांत क्षेत्र होता है, लेकिन अगल बगल में हवा का काफी बड़ा दबाव है, और ये दबाव होने कारण से क्या होता है, हवा जो है तटों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसकी जो विंड की स्पीड है बहुत ज्यादा होती है, और इसके कारण से तटों से टकराती है तो ये बर्बादी का मंजर उत्पन्न करती है। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि यह जो हवा साथ में चली है यह मॉइस्चर या नमी से लदी हुई हवा होती है, और जब नदी से लदी हुई हवा जब आगे की तरफ बढ़ती है तो जब तटों पर आती है तो अपनी पूरी की पूरी नमी वह झाड़ देती है, और उस प्रकार से वहाँ पर भारी बारिश होती है, जिस बारिश में न सिर्फ उस क्षेत्र के क्षेत्र जो है जलोदोज हो जाते हैं, साथ ही साथ हवाओं के जो स्पीड है उसके कारण से पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, जो वहाँ पर फैक्ट्री होती है, जो हम मकान होते हैं, जो दुकानें होती हैं, सब जो या प्रतिष्ठान होते हैं, वे प्रतिष्ठान को भी भारी क्षति पहुँचती है, जान माल की क्षति हो जाती है। बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक वर्ष चक्रवात कारण से अरबों खरबों जो पैसे हैं वह बर्बाद जाते चले जाते हैं। एक बार मैं इसको आपको डायग्रामेटिकली थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ।
तो यहाँ पर आप देखो, यह जो जब समुद्र गर्म होता है तो समुद्र के गर्म होने के कारण से यह जो आप देख रहे हो, यह जो गर्म हवा है ऊपर की तरफ उठ रही है और ठंडी हवा है इधर से चारों तरफ से ठंडी हवाएं जो है वह नीचे की तरफ आ रही है। और जब यह हवाएं ये जो गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठती है और ठंडी हवा जब नीचे की तरफ आती है तो धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर की तरफ इस हवा जबकि ठंडी हो रही है ऊपर में हवा का काफी बड़ा क्षेत्र बनना शुरू हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यहाँ इसके बाद देखो, आप यह देखो कि जब यह क्या होता है कि पृथ्वी चूंकि अपने अक्ष पे घूम रही है तो यह जो हवा वहां पर जमा इकट्ठी हो रही है, यह हवा आपको तेजी से आपकी घूमनी शुरू हो जाती है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यह घूम कैसे रही है, तो यह आपकी घूम रही है, आपकी जो घूम रही है यह एंटी क्लॉक वाइज या चक्कर लगा रही है, मतलब यह उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक घूमती है और दक्षिण गोलार्ध में जो है यह क्लॉक वाइज चक्कर लगाएगी। साथ से बताना चाहूंगा कि जब दुनिया में अलग अलग जगहों पे यह चक्रवात पनपते हैं तो इनके अलग अलग नाम हो जाते हैं, इनके जो है अलग अलग नाम हो जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो इनके अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे। जैसे हम लोग यहाँ बात करें तो आपको बताना चाहूंगा कि यह जो उत्तरी अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र में जब इस प्रकार के चक्रवात उत्पन्न होते हैं इसको यहाँ पर हरिकेन कहा जाता है, इसको हरिकेन कहा जाता है, इसको हरिकेन कहा जाता है। यही जब आपको यह आ जाता है, यहाँ जापान, यहाँ पे जापान दिखाई दे रहा है, जापान सागर है, यहाँ पे इसको टैफू कहते हैं, टैफू कहते हैं। यह जो चीन का आसपास क्षेत्र दिखाया है जहाँ चीन सागर है यहाँ पर इसको टाइफून कहा जाता है। यह फिलीपीन के आसपास में जो समुद्र है यहाँ पर इसको फिलीपीन जो सी है वहां उसको बैगू कहते हैं। और ट्रॉपिकल जब यह हिंद महासागर उत्पन्न होगा तो इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। मतलब आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हिंद महासागर, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात है ना, ये आप इसी प्रकार से ओमान, इसी प्रकार से आपका मालदीव, भारत हो गया, म्यांमार हो गया है ना, थाईलैंड हो गया। तो यहाँ पर अगर यहाँ का जो लोग हैं इसको कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन या इसको कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। और यह जो आपका यह क्षेत्र है आपका ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पर इसको विली विली के नाम से जाना जाता है। तो दुनिया के अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जानते, इसको याद रखने की जरूरत है आपको कि यहाँ पे जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है या फिर प्रशांत महासागर इधर का क्षेत्र है, अमेरिका का आसपास क्षेत्र, यहाँ उसको हरिकेन कहा जाता है। जो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है और यहाँ पे जापान जापान सागर है तो जापान सागर में उसको टैफू कहते हैं। जब यह चीन सागर उत्पन्न होता है उसको यहाँ पर लोग टाइफून कहते हैं। यहाँ पे जो आपके फिलीपीन द्वीप के आसपास में समुद्र है वहां पर उसको उत्पन्न हुआ उसको बैगू कहा जाता है। और जो हिंद महासागर उत्पन्न हुआ उसको ट्रिपल साइक्लोन कहते हैं। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो चक्रवात उत्पन्न होता है उसको बीली बीली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि देखो चक्रवातों को जो इंटेंसिटी है उनकी जो तीव्रता है उसको मापने के लिए हम लोग दो प्रकार के स्केल का प्रयोग करते हैं। एक स्केल का नाम है बीफोर्ड स्केल और दूसरे का नाम है सैफिर सिम्पसन स्केल। तो मैं पहले बता दूं कि 1805 ईस्वी में बीफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने एक क्वालिटेटिव स्केल बनाया, मतलब जो हवाएं हैं जो चक्रवात है उस चक्रवात के कारण से जो क्षति पहुंचती है उस क्षति के आधार पर उन्होंने वह स्केल बनाया था जिस पैमाने को बीफोर्ड स्केल कहा जाता है। तो बिफोर स्केल में उन्होंने 0 से लेकर 12 नंबर तक दिए और इस प्रकार से जब हवाओं की गति कम होती है या उससे कम बर्बादी होती है उसको 0 नंबर दिया गया। इसके बाद 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, और जब 12 नंबर जब चक्रवात कारण से बहुत अधिक क्षति पहुंचती है तो वहां पर चक्रवात को जो है 12 नंबर दिया जाता है। लेकिन आप देख रहे हो कि जो क्वालिटेटिव स्केल है उस स्केल के माध्यम से जो चक्रवात है उस चक्रवात को सही की सही सूचना जो है हम नहीं दे पाते लोगों को। तो इस कारण से क्या किया गया, 1971 में अमेरिका के 2 वैज्ञानिक जिनके नाम है सैफिर और सिम्पसन, इन्होंने एक स्केल बनाई जिस स्केल को सैफिर सिम्पसन स्केल कहा जाता है। तो सैफिर सिम्पसन स्केल जो है एक क्वांटिटेटिव स्केल है, जो विंड वेलोसिटी, जो वायु का वेग है वो वायु के वेग पे आधारित है। और यह जो वायु का जो वेग है उस वायु के वेग पर आधारित यह स्केल होने के कारण से इस स्केल का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसमें बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर चक्रवातों को जो है 1 से लेकर 5 नंबर तक दिए जाते हैं।
मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब देखो जब समंदर में जब हवाएं उत्पन्न होती है उनका स्पीड जो है 63 किलोमीटर प्रति आवर होती है, तो इसको चक्रवात को इस चक्रवात को जो है नाम दिया जाता है। लेकिन लेकिन जब इसको 119 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अधिक हो जाती है तो इसको हम लोग चक्रवात कहने लग जाते हैं, बाकी बाद इसको तूफान कहा जाता है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये बस आपका सैफिर सिम्पसन स्केल। देखिए सैफिर सिम्पसन स्केल 1978 में डिवाइस किया गया। जब विंड की स्पीड 63 किलोमीटर से कम होती है तो इसको डिप्रेशन कहा जाता है सिर्फ, लेकिन जब 63 से लेकर के 119 किलोमीटर होती है तो इसको कहते हैं इसको कहते हैं आपका ट्रॉपिकल स्टॉर्म, इसको ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहा जाता है। 119 से लेकर के जब 119 से लेकर के 153 किलोमीटर इसकी स्पीड होती है तो इसको नंबर एक दिया जाता है। जब वायु की का वेग जो है 154 से 170 किलोमीटर के बीच किलोमीटर प्रति आवर के बीच में होता है तो इसको हम लोग 2 नंबर देते हैं। 178 से 208 किलोमीटर जब इसका 178 से 208 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है इसको 3 नंबर दिया जाता है। 209 से लेकर 251 किलोमीटर प्रति आवर जब इसकी स्पीड होती है इसको 4 नंबर दिया जाता है, और 252 से इसका अधिक हो जाता है तो इसको 5 नंबर दिया जाता है। इस प्रकार से यह चक्रवातों का कि जो क्या इंटेंसिटी होगी, क्या तीव्रता होगी, कितने वेग से जाकर के टकराएंगे, इस आधार पर यह जो है सैफिर सिम्पसन स्केल हमें काफी हमारे लिए मददगार साबित हो जाता है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो चक्रवातों के क्या होते हैं, चक्रवातों के अपने अपने नाम होते हैं, अपने नाम होते हैं। तो यह चक्रवातों के जो नाम है, इस चक्रवातों के जो तो विश्व विश्व की सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी संगठन इस दिशा में है उसका नाम है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन। तो विश्व मौसम संगठन जिसका किसका हेडक्वार्टर आपके जिनेवा में स्थित है, 1875 में इसकी स्थापना की गई थी, उस समय से यह काम कर रही है। यह मौसम संबंधी जानकारियां प्रदान करती है, साथ ही साथ चक्रवात के बारे में भी इसको इसलिए जानकारी देती है। कुल मिलाकर के जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अधीन 6 रीजनल सेंटर्स काम करते हैं। तो ये 6 रीजनल सेंटर बताना चाहूंगा कि जैसे आपका यहाँ पे आप जैसे आपका अमेरिका के आसपास में जो चक्रवात पनपते हैं इनका नाम क्या होगा, इसका नामकरण करने का काम जो है एक संस्था को दिया गया, इसका नाम है आपका नॉर्थ हरिकेन सेंटर, जो आपके अमेरिका के मियामी में स्थित है। तो नॉर्थ हरिकेन सेंटर मियामी। इसी प्रकार से इधर चक्रवात उत्पन्न हो गया तो इसका हो गया सेंट्रल पैसिफिक हरिकेन सेंटर या होनोलुलु में है। तीसरा सेंटर आपका हो गया मेटियो फ्रांस, जो आपका फ्रांस का यहाँ पर मेडगास्कर से इधर की तरफ एक छोटा सा द्वीप है जो फ्रांस का दिन है, इसको रियूनियन के नाम जाना जाता है। तो रियूनियन मेट आपका इधर वाले के लिए जो है आपका एक संस्था है, इसका नाम है मीटियो फ्रांस रियूनियन। इसी प्रकार से न्यू दिल्ली में आपका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, और इसी प्रकार से जापान का जापान मेट्रोलॉजिकल एसोसिएशन है आपका टोक्यो में, और यह ऑस्ट्रेलिया ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी मेलबोर्न में है। तो कुल मिलाकर के 6 आपका रीजनल सेंटर्स काम करते हैं पूरी दुनिया में, और ये रीजनल सेंटर्स जो है वह चक्रवातों पर न सिर्फ निगरानी रखते हैं बल्कि समय समय पर अपने आसपास में जो देश हैं उनके लिए नामकरण करते हैं और उनके लिए एडवाइजरी भी जारी करते हैं। तो फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि नॉर्थ हरिकेन सेंटर कहाँ पे है, तो ये अमेरिका के मियामी में है। जो सेंट्रल पैसिफिक हरिकेन सेंटर है वो कहाँ है, तो अमेरिका का एक छोटा सा हवाई द्वीप है जिसका नाम होनोलुलु है, वो होनोलुलु में है। इसी प्रकार से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कार्यालय कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में है। मेट्रो फ्रांस कहाँ पे है, तो रियूनियन में है। यूनियन कहाँ पे है, तो यह आपका मेडगास्कर के पास है, मेडगास्कर अफ्रीका महाद्वीप के मेडगास्कर के पास है। इसी प्रकार से जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी या टोक्यो में है, और ऑस्ट्रेलिया ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी या मेलबोर्न में है। जहां तक हमारे देश भारत का सवाल है, तो मैं बताना चाहता हूं कि भारत में देखिए क्या है कि भारत में साइक्लोन के आपके ये रीजनल सेंटर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है बताना चाहूंगा,
कि जो भारत के मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसमें न्यू दिल्ली है, नागपुर है, मुंबई में है, गुवाहाटी में है, कलकत्ता में है और चेन्नई में है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि देखिए हिंद महासागर में जो चक्रवातपन होते हैं उनका नामकरण कैसे किया जाता है। अलग अलग आपके जो 6 रीजनल सेंटर हैं उनके आसपास जो चक्रवातपन होते हैं उनके नाम के अलग अलग सिस्टम है। मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बार 1900 ईस्वी के आसपास चक्रवातों को नाम दिया जाने लगा, क्योंकि चक्रवातों के नाम नहीं दी जाने से काफ़ी दिक्कतें होती थी, परेशानियां होती थी, लोग उसको वर्ष के हिसाब से याद रखते थे। कभी कभी एक ही वर्ष में कई चक्रवात ऐसे उत्पन्न हो जाते थे, जो चक्रवात जो है वह इंटेंसिटी में एक दूसरे के समतुल्य होते थे। इस प्रकार से चक्रवातों को पर्सनल नाम के बिना उनका अध्ययन करना आसान होने होता था। तो क्या किया गया, 1953 ईस्वी में आपके जो अटलांटिक महासागर उत्पन्न हो रहे और प्रशांत महासागर उत्पन्न हो रहे चक्रवात होते थे उनको जो है वह नाम दिया जाने लगा आपको स्त्रियों के नाम पर। पहले नाम दिए थे संतों के नाम पर और इसके बाद स्त्रियों के नाम पर इसका नाम दिया जाने लगा। इसके बाद जो है 1979 ईस्वी से ये पुरुषों के नाम अल्टरनेट करके स्त्री पुरुष के नाम दिए जाने लगे। लेकिन वर्ष 2000 में जो आपका यूनाइटेड नेशन का सोशियो इकोनॉमिक आपको काउंसिल ऑफ एशिया एंड पैसिफिक है उसने यह डिसाइड किया कि जो चक्रवात होंगे चक्रवात के जो है रीजनल जो सेंटर उनको नाम देंगे। अब हम लोग आ जाते हैं आपके हिंद महासागर में उत्पन्न हुए चक्रवात के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो रीजनल सेंटर आपका है इंटरनेशनल मॉनिटरी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, वह है आपका नेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडिया में। तो यह सेंटर यह क्या करता है, यह आपके आस पास के जो देश हैं, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि पहले 8 देशों को इसमें शामिल किया गया था, अब संख्या यहाँ पे हो गई है 13। तो यह जो 13 देश हैं, 13 देश कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो आपका बांग्लादेश है, दूसरा आपका हो गई इंडिया हो गई, तीसरा हो गया ईरान, चौथा आपका यहाँ पे इसमें हो गया मालदीव, पांचवा हो गया म्यांमार, छठा हो गया आपका थाईलैंड, छठा हो गया श्रीलंका, सातवां हो गया सऊदी अरबिया, आठवां हो गया आपका थाईलैंड। इसी प्रकार से मैं बताना चाहूँगा कि आगे जो है सऊदी अरबिया हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया और आपका ओमान हो गया, इसी तरीके से आपका यूनाइटेड यमेन हो गया। ये सभी जो 13 देश हैं, ये 13 देश आपके क्या करते हैं कि 13 अपने नाम सुझाते हैं और ये नाम ऐसे होने चाहिए जो किसी स्त्री पुरुष के नाम पर हो, मतलब न्यूट्रल जेंडर में हो, दूसरा किसी के सेंटिमेंट को हर्ट करने वाले ना हो, और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो जैसे देशों के नाम है उन अल्फाबेटिकल, जैसे बांग्लादेश का हो गया, फिर इंडिया का हो गया, फिर ईरान का हो गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उन नामों को लिया जाता है यदि प्रशांत महासागर में कोई चक्रवातपन होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि प्रशांत महासागर में जो सॉरी हिंद महासागर में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो जो चक्रवात है ये चक्रवात को हम लोग यहाँ पे देखो दो कैटेगरी हो जाती है, एक होता है बंगाल खाड़ी उत्पन्न होने चक्रवात और दूसरा अरब सागर उत्पन्न होने चक्रवात। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तुलना करें तो बंगाल खाड़ी में चक्रवात अधिक उत्पन्न होते हैं अरब सागर की तुलना में। इसके पीछे जो कारण है वह कारण यह है कि बंगाल की खाड़ी में पानी जो है ज़्यादा गर्म होता है और अरब सागर की तुलना में, और अरब सागर में पानी उतना गर्म क्यों नहीं हो पाता, इसका कारण यह है कि जो पूर्वी अफ्रीका में पहाड़ हैं जो पर्वत हैं वहाँ से हवाएं चलती हैं और हवाओं के कारण से वाष्पीकरण की क्रिया तेज हो जाती है और इस कारण से जब वेपराइजेशन या वाष्पन अधिक होगा तो वहाँ पर ठंडा खदी होगी और उस प्रकार से पानी जो है वहाँ पर गर्म ज़्यादा नहीं हो पाता। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग कारण से अब कुछ सालों से जो आप अरब सागर है वहाँ पर भी चक्रवात काफ़ी उत्पन्न होने लग गया है। अगर हम लोग अरब सागर और यदि बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों का अनुपात निकालें तो यह 1:4 है, मतलब अगर 5 चक्रवात उत्पन्न होते हैं तो 1 उत्पन्न होगा आप अरब सागर में, 4 उत्पन्न होंगे बंगाल की खाड़ी में। भारत में जहां तक चक्रवातों की वार्निंग की बात है तो इसके लिए कई वार्निंग सेंटर बनाए गए हैं। मैं बताना चाहता हूँ, आइए आपको मैं दिखा दूँ, देखिए सबसे पहले तो एरिया साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स हैं। ये क्या करते हैं कि ये चक्रवातों के का वार्निंग जो है ये आसपास पट्टों पे जारी कर देते हैं। एक तो आपका बॉम्बे है, दूसरा आपका चेन्नई में है और तीसरा कोलकाता में है। इसी प्रकार साइक्लोन वार्निंग सेंटर से CWC व एरिया साइक्लोन वार्निंग सेंटर, यह CWC है, एक अहमदाबाद में है, दूसरा भुवनेश्वर में और तीसरा है विशाखापट्टनम में। एक बार फिर से याद कर लो, यह एरिया साइक्लोन वार्निंग सेंटर यह बॉम्बे चेन्नई और कोलकाता में है और यह है साइक्लोन वार्निंग सेंटर CWC कहते हैं इसको, यह अहमदाबाद भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम। तो सबसे पहली बात देखिए क्या किया जाता है, जो सैटेलाइट है 1983 से भारत सैटेलाइट के माध्यम से चक्रवातों की निगरानी रख रहा है। तो जो सैटेलाइट है वो सैटेलाइट इनसैट श्रृंखला के सैटेलाइट ये क्या करते हैं कि ये अपने इनपुट जो है इन सेंटर को प्रोवाइड करते हैं।
तो जो इनपुट आपको देने साइक्लोन सर्विलांस जो सरदार है कहाँ का लगाया गया आपको, एक तो कोलकाता में लगाया गया है, एक प्रदीप में लगाया गया है, एक विशाखापट्टनम है, एक मछलीपट्टनम है, एक चेन्नई में है, एक कराईकल में है। इसी प्रकार से आपका यह आपका हो गया कोचीन, गोवा, मुंबई, भूज। फिर से बता दो आपको कि साइक्लोन को सर्विलांस करने के, उसका पर्यवेक्षण करने के लिए, उस पर निगरानी करने के लिए भूज में आपका गुजरात का भूज है, इसी प्रकार से महाराष्ट्र का मुंबई हो गया, गोवा हो गया, केरल में कोचीन हो गया, इसी प्रकार से तमिलनाडु में कराईकल हो गया, चेन्नई हो गया, मछलीपट्टनम हो गया, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम हो गया, इसी प्रकार से उड़ीसा में प्रदीप हो गया और वेस्ट बंगाल कोलकाता। तो ये आप देख रहे हैं जो 10 सेंटर हैं, ये सर्विलांस यहाँ पे रडार लगाए गए हैं और ये रडार क्या करते हैं कि यह सेटेलाइट से पिक्चर प्राप्त करते हैं, सेटेलाइट पिक्चर रिसीविंग इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं कहाँ कहाँ पे, तो दिल्ली में है, इसी प्रकार से आपका दिल्ली के साथ साथ मुंबई में है, पुणे में है, चेन्नई में है, आपका विशाखापट्टनम में, कोलकाता में है और ये गुवाहाटी में है। तो ये इस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। सबसे पहले सेटेलाइट से क्षेत्र प्राप्त किए जाते हैं और उसके लिए कई इक्विपमेंट सेंटर लगाए गए हैं, जैसे मैंने बता दिया। वो इक्विपमेंट सेंटर क्या करते हैं, वो उसको डिसिमिनेट करते हैं अपने अपने सूचनाओं को, और यहाँ पर रीजनल सेंटर्स को ये सूचना मिलती है और वहाँ पे जो सेक्रेटरी लेवल के आपके जो अधिकारी हैं वो रिलीफ कमिश्नर को इसकी सूचना देते हैं। रिलीफ कमिश्नर क्या करते हैं, जो तटवर्ती जिले के डीएम हैं उनको सूचना मिल जाती है और उस प्रकार से वहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है और चक्रवातों से बचने का हम लोग काम भी करते हैं। मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ आपको बता दूँ कि देखिए अगर हम लोग बात करें भारत की बात करें जो सॉरी अगर बात करें लोग जोखिम के आधार पर, तो सबसे अधिक चक्रवात में जो जोखिम इंडेक्स है उसमें जापान को नंबर एक रखा गया है 10 नंबर और दूसरे नंबर फिलीपींस 9.5 नंबर। लेकिन बताना चाहूँगा कि चक्रवात जो भयावह उत्पन्न हुए हैं दुनिया में सबसे अधिक वो भारत मतलब हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। और ये आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि सबसे भयावह जो चक्रवात उत्पन्न हुआ 1970 में उत्पन्न हुआ था, भोला नाम का चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ, और इस कारण से जो पूर्वी पाकिस्तान उस समय था जो बांग्लादेश हो गया और आपका भारत का वेस्ट बंगाल, यहाँ पे 3 लाख से लेकर 5 लाख लोग तक मारे गए थे, अरबों रुपए की यहाँ पर माल जो है अरबों रुपए की संपत्ति की यहाँ पे क्षति पहुँची थी। तो अगर दुनिया में पूछा जाए कि दुनिया में सबसे डेडलीस्ट सबसे जो भयावह चक्रवात उत्पन्न कहाँ हुआ तो कब हुआ, तो 1970 में उत्पन्न हुआ था, इस चक्रवात का नाम है भोला चक्रवात। लेकिन अगर देखा जाए विंड की स्पीड के आधार पर कि सबसे अधिक और किस चक्रवात की विंड की स्पीड थी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका गोनी 2020 में जो फिलीपीन द्वीप जो है वहाँ के आसपास समुद्र में उत्पन्न हुआ था। मैं फिर से बता दूँ कि जो आपका भोला चक्रवात था, ये भोला चक्रवात से सबसे अधिक जान माल की क्षति हुई, हालांकि स्पीड सिर्फ 185 किलोमीटर प्रति घंटे थी, लेकिन जो गोनी नाम का चक्रवात था, यह गोनी नाम का चक्रवात समुद्र से बहुत दूर उत्पन्न हुआ था, इस कारण तक पहुंचने पर उतना क्षति नहीं पहुंचा पाया, हालांकि इसकी स्पीड सिर्फ 315 किलोमीटर प्रति घंटे की। साथ साथ बता दूं आपको कि चक्रवात जो उत्पन्न होते हैं इसका सबसे जो अनुकूल महीना होता है वह मई जून का महीना होता है या फिर सितंबर से नवंबर का महीना होता है, और यह चक्रवात जो है यह सबसे अधिक 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में होते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो मकर रेखा है, यह यहाँ पर जो है सिर्फ सूर्य की जो लंबवत किरणें यहीं पर मूव करती हैं, और इस कारण से जहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत मूव करेंगी वहाँ पर तापमान अधिक रहेगा, और तापमान अधिक रहेगा समुद्र का पानी गर्म होकर के ऊपर उठेगा, और ऊपर उठने का जब वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होगी, जब प्रकाशयांशिक निर्वात क्रिएट हो जाएगा तो चारों तरफ से हवाएं उसको भरने के लिए आएंगी, और जब हवाएं भरने के लिए आएंगी तो वहाँ पे जो है चक्रवात उत्पन्न हो जाते हैं। तो हम लोग मैंने आपको चक्रवात से संबंधित जो साइक्लोन संबंधित जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा प्रोवाइड करा दिया, और मैं बता दूं कि जो अभी बिपरजॉय नाम का चक्रवात उत्पन्न हुआ है इस चक्रवात के कारण से जान माल की जो भी क्षति हुई है वो तो हुई, लेकिन यह पहले से चूंकि सूचनाएं मिल गई थी तो तटों को इवैक्यूएट करा दिया गया, और सबसे बड़ी बात है कि यह चक्रवात जब तट पर पहुंचा तो इसकी इंटेंसिटी इसकी तीव्रता काफ़ी कम हो गई थी। और जो बिपरजॉय नाम का यह चक्रवात है इसको बांग्लादेश ने इसको इसका नाम सजेस्ट किया था, और बिपरजॉय का मतलब होता है क्लेमिटी आपदा। तो मैं समझता हूँ कि परीक्षा के दृष्टिकोण से मैंने आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन पूरी सूचना यहाँ पर दे दिया है, और एक बार हम लोग यहाँ पर अपने नेत्रों को बंद कर लें और ईश्वर को याद करें। हरि ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदिच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।